बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इनकम्पेटिबिलिटी और उसमें भी इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, और इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी में भी हमने पहली जो इसका प्रकार है वो हेटरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिक, होमो यानी एक समान, मॉर्फिक यानी आकारिकी। इसका मतलब यह है कि फ्लावर्स की जो आकारिकी है वो बिल्कुल एक समान होने के बाद में भी जो निषेचन है वो सफल नहीं हो पाता है। तो किन कारणों की वजह से ये निषेचन जो है सफल नहीं हो पाता है, क्या इसके रीजंस होते हैं, उसका अध्ययन हम इस इनकम्पेटिबिलिटी में पढ़ेंगे। हेटरोमॉर्फिक में हमने देखा था कि आकार की जो है स्टाइल और जो स्टेमन्स होती है वो जो है इनकम्पेटिबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होती है, जबकि होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी में बच्चों जीन्स जो है जीन जो है प्रभावी रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप इनकम्पेटिबिलिटी इज नॉट कनेक्टेड विद मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ द फ्लावर्स। हमने पढ़ लिया है कि इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी जो है पुष्पों की आकार की भिन्नता से संबंधित नहीं होती है। तो किससे संबंधित होती है वो पढ़ते हैं हम आगे। द इनकम्पेटिबिलिटी मे बी ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड और बाई इट्स ऑन जीनोटाइप, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार के जीनोटाइप की वजह से ये हो सकती है। एक तो जीनोटाइप किसका, जिस पर पोलन, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिस प्लांट पर पोलन ग्रेन उत्पन्न हुआ है उसका जीनोटाइप पहला, और दूसरा है उस पोलन ग्रेन का खुद का जीनोटाइप, ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं एक बार। द इनकम्पेटिबिलिटी मे बी ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच इट इज प्रोड्यूस्ड, जिस पर पोलन ग्रेन, जिस प्लांट पर पोलन ग्रेन उत्पन्न हुआ है उसका जीनोटाइप निर्धारित कर सकता है कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी नहीं जाएगी, और दूसरा जो पोलन ग्रेन है उसका जो स्वयं का जीनोटाइप है वो भी ये निर्धारित कर सकता है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मिलेगी या नहीं। दोनों प्रकार से इसका कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल करेगा जीनोटाइप्स। तो दो प्रकार का हो गया, एक तो जिस पर पोलन ग्रेन उत्पन्न हो रहे हैं तो वो हो गया स्पोरोफाइटिक कंट्रोल, और एक हो गया गैमेटोफाइट्रिक कंट्रोल, जिसमें कि पोलन ग्रेन स्वयं कंट्रोल करता है SI को। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं स्पोरोफिटिक कंट्रोल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, इट इज गवर्न बाय सिंगल जीन कैपिटल एस विद मल्टीपल एलील। जो स्पोरोफिटिक टाइप की जो इनकम्पेटिबिलिटी है वो एक सिंगल जीन कैपिटल एस के द्वारा और उसकी बहुत सारी जो मल्टीपल एलील्स है उनके द्वारा नियंत्रित होती है। अभी एलील्स क्या होते हैं, तो बच्चों एक ही जीन के भिन्न विभिन्न जो प्रारूप होते हैं, अलग अलग उसके जो प्रारूप होते हैं वो उसकी एलील्स कहलाती है। और मल्टीपल एलील का बहुत अच्छा उदाहरण है हमारा ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, जो हम अध्ययन करते हैं कैपिटल एस जीन, और इसकी लगभग 30 प्रकार की, देखिए मोर देन 30 एलील्स आर प्रेजेंट इन ब्रेसिका ओलोरेसिया। ब्रेसिका ओलोरेसिया जो है उसमें इस कैपिटल एस की 30 से भी अधिक एलील्स पाई जाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, दस इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ द पोलन इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच पोलन इज प्रोड्यूस्ड एंड नॉट बाय द जीनोटाइप ऑफ द पोलन। अर्थात इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी में जो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन होती है वो जिस पादप पर पोलन ग्रेन उत्पन्न हुआ है उसके जीनोटाइप पर निर्भर करती है, ना कि स्वयं पोलन ग्रेन के जीनोटाइप पर, ठीक है। अब ये जो एस एलील होती है बच्चों, ये अलग अलग प्रभाव अपना दिखा सकती है, ये डोमिनेंस भी दिखा सकती है ना, ये कोडोमिनेंस भी दिखा सकती है, ये कंपिटिशन भी दिखा सकती है।
अब इसका इसमें हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंपेटेबिलिटी हैज़ बिन रिपोर्टेड इन रेडिश एंड ब्रेसिया क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है उसका उदाहरण कि इस प्रकार की जो इनकम्पेटेबिलिटी है बच्चों वो रेडिश और ब्रेसिया क्रॉप्स वगैरह में पाई जाती है। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ है बच्चों कि इंट्रोडक्शन होती क्या है, तो इसमें देखिए जो जो एस जीन है और इसकी जो मल्टीपल एलील्स है इनके विशेष युग्म जो होते हैं बच्चों वही कंपेटेबिलिटी या इनकम्पेटेबिलिटी का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि विशेष युग्म बना तो उसमें उसकी वजह से सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बन गई, तो पराग कण है वो जर्मिनेट नहीं होगा वर्तिकाग्र पर और आगे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन मान लीजिए विशेष युग्म संलयित नहीं हुए या विशेष युग्म नहीं बने तो उसमें कंपेटेबिलिटी पाई जा सकती है और हो सकता है कि पोलन जो ट्यूब है उसका निर्माण हो और मेल गैमेट जो है एग को फर्टिलाइज कर दें। देखिए सो देखिए ऐसा कि इसमें डायग्राम में यह है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का उदाहरण। अभी देखिए जो गैमेट्स हैं और ये पिस्टल है, ठीक है। गैमेट्स जो है उसकी जो मान लीजिए जीन है मान लीजिए S1S2 है और जो पिस्टल है उसके S1S2 है, ठीक है। तो इस विशेष प्रकार के जो निर्धारण है इसमें S1S2 तो गैमेट में पाए जा रहे हैं और S1S2 पिस्टल में पाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो युग्म है उसमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाएगी और पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा अर्थात पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं होगा। देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए पिस्टल का S2S3 उसमें मिल रहा है तो इस अवस्था में भी इनकम्फर्टेबिलिटी पाई जाएगी। लेकिन दूसरी ओर ये तीसरी कंडीशन देखिए, इसमें इसमें गैमेट्स वही S1S2 है लेकिन जो पिस्टल है उसमें जो है उसमें युग्म S3S4 है, तो इस अवस्था में क्या है पोलन ट्यूब जो है उसका निर्माण होगा, पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेशन वो दिखाएंगे ग्रोथ दिखाएंगे और वो आगे जाके फिर एक सेल को फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अब इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं गैमेटोफिटिक कंट्रोल इनकम्पेटेबिलिटी। तो इस प्रकार की कंपेटेबिलिटी में बच्चों क्या होता है, द इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ द पोलन इज कंट्रोल्ड बाई इट्स ओन जीनोटाइप, ठीक है। इस प्रकार की इनकम्पेटेबिलिटी में जो इनकम्पेटेबिलिटी रिएक्शन होती है वो स्वयं पोलन ग्रेन के जीनोटाइप से निर्धारित होती है ना कि जिस पर यह उत्पन्न हुआ है। हियर ऑल्सो यूजली इट इज डिटरमाइंड बाई सिंगल जीन विद मल्टीपल एलील्स, ये भी इसमें भी इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है, एक सिंगल जीन एस होती है उसकी विभिन्न मल्टीपल एलील्स होती है उनके द्वारा निश्चितता या अनिश्चितता का निर्धारण होता है, उदाहरण के लिए निकोटियाना और ट्राइफोलियम सोलेनम, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम है इसमें भी यही दे रखा है, तो ये जीन है एस है उसके मल्टीपल एलील्स जो है उसके विशेष युग्म ही सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का निर्धारण करते हैं। पहली कंडीशन में S1S2 पाई जा रही थी तो इसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, दूसरी कंडीशन में बच्चों S1S2 और S2S3 पाई जा रही थी तो इस अवस्था में S1 जी जिसमें पाई जा रही है उस विशेष जो पोलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन हो गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए S1 इसमें ही मिल रहा है S1 इसमें मिल रहा है तो ये कैंसिल हो गए, S2 इसमें मिल रहा है, इसको इस तरह से याद रखिए आप, इसकी प्रक्रिया अलग है, S2 है तो S2 को निरस्त कर दिया तो इसलिए ये जर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ याद रखने के लिए है ये। इसी प्रकार से इसमें देखिए S1 है तो यहाँ पर कोई इसको रोकने वाला नहीं है तो S1 जर्मिनेट हो गया, S2 के लिए S2 है तो जर्मिनेट ये नहीं होगा। उस तरह से ही जो तीसरा है उसमें S1 S2 है और S3 S4 है तो S1 का सामना करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ पर तो S1 जर्मिनेट हो गया और S2 का सामना करने के लिए भी S2 नहीं है इसलिए S2 जर्मिनेट हो गया, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी इसकी रिएक्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो आप हायर लेवल्स पे जाके उसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दो प्रकार हो गए होमोमॉर्फिक में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक कंट्रोल्ड
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अब देखिए इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में भी ड्यू टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो तीनों प्रकार से हो सकती है। पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकती है, पोलन ट्यूब स्टाइल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और पोलन ट्यूब ओव्यूल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इन सेल्फ इनकम्पेटिबल फ्रूट ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट टू क्रॉस कंपेटेबल वेराइटीज टू इंश्योर फ्रूटफुलनेस। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मे बी यूज इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का उपयोग जो है संकृत बीजों के उत्पादन में किया जा सकता है। इन मैनी केसेज सेल्फ फर्टाइल्स फॉर्म्स आर हाईली डिजायरेबल एंड इन सच केसेज इट वुड बी यूजफुल टू एलिमिनेट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कई कई जो पादप होते हैं उनमें सेल्फ फर्टाइल फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, तो इस अवस्थाओं में क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को हटा दिया जाता है विशेष तकनीकों के द्वारा, ताकि उसमें सेल्फ फर्टाइल होकर वो प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है इन नेचर इन ब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इनब्रीडिंग होती है इंट्रा स्पेसिफिक की वजह से और आउटब्रीडिंग होती है वो है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। एक्सटेंसिव सेलिंग ऑफ प्लांट्स लीड टू हाईली होमोजाइगस इंडिविजुअल विच हैव ए वेरी लो सर्वाइवल वैल्यू। नेचर हैज़ इम्पोज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टू चेक इट। ये क्लियर है कि जो सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा जो बनी स्थितियाँ हैं उनमें होमोजाइगोसिटी अधिक पाए जाने के कारण जो है उनके विभिन्नताएँ कम होती है, इसलिए उनकी सर्वाइवल रेट्स जो होती है वो कम होती है। इसलिए प्रकृति ने इसको चेक करने के लिए या इसको कम करने के लिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का एक रास्ता चुना है। लास्ट बच्चों, ऑन द अदर हैंड इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी ब्रिंग्स आउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट इज दस रिस्पॉन्सिबल ओवर इमरजेंस ऑफ न्यू रेसेस एंड स्पीशीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन ऑन ओपन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब दूसरी ओर जो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है बच्चों, जो विभिन्न जातियों के बीच में अलग अलग जातियों के बीच में जो इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती हैं वो एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को प्रकट करती हैं और इस कारण से म्यूटेशन और जो ओपन हाइब्रिडाइजेशन है खुले संकरण है उसके द्वारा नई जातियों का निर्माण दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस टॉपिक के साथ में ये जो हमारा इनकम्पेटिबिलिटी वाला चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।